दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां लोनी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। सभी वहां पर मजदूरी का काम कर रहे थे। आसपास के लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के जरिए पहले मलबा हटाने का प्रयास किया, लेकिन मजदूरों के दबे होने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाना शुरू किया। इस दौरान एक मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग गिरी है, क्या है पूरा मामला, इस बारे में बताएंगे। हम लोगों को सूचना मिली लगभग 1:30-2 बजे के आसपास कि एक बिल्डिंग निर्माणाधीन भवन जो है उसका लेंटर गिर गया है। यहाँ आने पे पता पड़ा कि तीन लोग थे, उसमें दो लोग निकल गए, एक व्यक्ति दबा हुआ था उसमें। तो हम लोगों ने तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें वो व्यक्ति जो दबा हुआ था वो निकाल लिया गया। उसको तत्काल जीटीबी अस्पताल दिल्ली के लिए यहाँ से भेज दिया गया है चिकित्सा सहायता के लिए। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कितने घंटे चला? रेस्क्यू ऑपरेशन पहले तो यहाँ पे नगर पालिका और क्षेत्रीय प्रशासन ने जो काम किया उस पर लगभग 1 घंटे किया। तब 1 घंटे बाद लगभग एनडीआरएफ की टीम आ गई, तो लगभग आधे घंटे उन्होंने किया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। सर, जो वो निकाला गया उसी क्या?